ये फिल्म है ऑस्ट्रेलियन मिस्ट्री डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स के ऊपर, उड़ीसा में जो 30 साल जिन्होंने लेप्रेसियों के लिए सेवा की, जिनके हाथ पैर सड़े हुए थे, जिनको पूरा शरीर से बदबू आ रही थी, ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने काम किया उनके ऊपर ये फिल्म बनाई है हम लोगों ने। ग्राहम स्टेन्स को इसलिए पसंद किया हमने, उनका जो कार्य था अस्मरणीय काम किया है। ऑस्ट्रेलिया जैसा स्वर्ग छोड़ के इधर भारत में आए, भारत में ऐसी जगह आए जहाँ पे नल नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, ऐसी जगह उन्होंने तो उनके परिवार ने 30 साल बिताए। वो बातें मेरे मन में छा गई पूरा कि ऐसे समाज के लिए काम करने वाले लोग और उनके साथ ऐसा सब कुछ हुआ, वो थोड़ा बुरा लगा। मगर जब मैं वो साइड पे गया जिन जिन लोगों ने मारा था, वो इतने गरीब लोग थे, उनको बस पैसा चाहिए था, पैसों के लिए उनको कुछ बोला आप कौन सा धर्म का है, उनको जात नहीं मालूम, उनको लिखना नहीं आता था, ऐसे लोग थे वो। ऐसे लोगों को पैसा देकर ये सब करवाया। बड़ी पड़ा गांव में वहाँ पे वो काम करते थे, एक दिन काम किया, रात में गाड़ी का लाइट खराब होने के कारण वो लोग उधर ही सो गए। और उनको जब पता चला कि ग्राहम स्टेन्स इधर आया है, फिर उनको एक ही दिमाग में कि अपने को सुपारी दिया है, अपना नेता का काम अपने को करना है, बस यही दिमाग में था और उन्होंने काम तमाम कर दिया। उन लोगों ने इतना सब कुछ होने के बाद वो जो मारने वाले लोग थे उनको माफ कर दिया। My husband has spent his entire life in serving those people. The people who killed my husband, they themselves don't know what they have done. I have forgiven them. God, you also please forgive them. पूरा दुनिया ने उनका ये जो माफी का संदेश है उसको सैल्यूट करना चाहिए। तो ये जो बड़प्पन है, ये जो बड़ा दिल है, ये जो क्रिश्चियनिटी उन्होंने दिखाया, इसके लिए हम सब दुनिया ने उनको सैल्यूट भी किया और आदर भी किया तो भी कम है। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, आप बच्चों को भी, 7 साल के बच्चा और 9 साल के बच्चों को भी जिंदा जला देते हैं, ये बात थोड़ा घृणास्पद है। ये पूरा मानव जाति ने देखना चाहिए। आप लोग मानव है, हम लोग प्राणी नहीं है। मैं जख्मों को ताजा नहीं कर रहा हूँ, रियली में नहीं कर रहा हूँ। लोगों को पूछा, अरे आपको आपका धर्म के बारे में कुछ बोलना है, अरे क्या यार धर्म का, इधर काम दाम छोड़ के क्या धर्म का। मगर भगवान के बारे में बोलेंगे ना तो सैल्यूट करेंगे वो लोग कि नहीं, हम लोग भगवान में मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। ये अपना देश आध्यात्मिक देश है, नॉट धार्मिक। लोगों ने ये फिल्म को पसंद किया, आज तक 9 इंटरनेशनल पुरस्कार मिले हैं। अच्छा लगता है कि लोगों के बीच में जाके ऐसा फिल्म दिखाना।